हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोवेट फाइनेंशियल सॉल्यूशन में और मैं आपका दोस्त गौरव। सो दोस्तों, आज मैं जिस आईपीओ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड और आप जिसको जानते हैं मैप माई इंडिया के नाम पे। तो इसकी आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इस कंपनी का कारोबार क्या है और इसके सारे डिटेल्स की चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मैप माई इंडिया का हिंदुस्तान में कारोबार है मैप बनाने का, जैसे गूगल मैप्स है वैसे ही मैप माई इंडिया के मैप्स हैं, बट ये ज्यादा रिलायबल और ये जो सा रास्ता बताते हैं ज्यादा अच्छा बताते हैं, ज्यादा एक्यूरेट है गूगल मैप से। बट जैसे आप गूगल की मैप्स की एप्लीकेशन यूज करते हैं, इसकी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है। ये जो से अपने मैप्स है कंपनीज को बेचते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन में इसके मैप लगाती है। जैसे जैसे हुंडई की गाड़ी है, हुंडई की गाड़ी में जब आप मैप लगाते हैं तो वो मैप माई इंडिया के मैप है। ऐसे ही इस कंपनी के बहुत कंपनी के साथ टाइप्स है मैप प्रोवाइड करने के लिए। सो दोस्तों, अब मैं इसको बुकिश लैंग्वेज में जो इसकी वर्णन किया है कंपनी ने, वो मैं आपको बताता हूँ। मैप माई इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एडवांस्ड डिजिटल मैप्स, जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेटेड बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब आईओटी टेक्नोलॉजी क्या होती है वो भी आपको मैं बताता हूँ। आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर एम्बेडेड विद सेंसर। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, प्रोसेसिंग एबिलिटी होती है, सॉफ्टवेयर होता है एंड अदर टेक्नोलॉजीज होती है दैट कनेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा विद अदर डिवाइसेस। जैसे आपको पता है आजकल एलेक्सा चल रहा है, एलेक्सा भी आईओटी का एक एग्जांपल है। हम उसको एक कमांड देते हैं कि एलेक्सा प्ले म्यूजिक, तो एलेक्सा म्यूजिक प्ले कर देती है, तो आईओटी इसको बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। The company is a data and technology products and platform company offering proprietary digital maps as a service, जिसे बोलते हैं MaaS, software as a services, जिसको बोलते हैं SaaS, और platform as a services, जिसे बोलते हैं PaaS, right? The company provides products, platform, application, programming interfaces, जैसे APIs बोलते हैं, and solution across a range of digital map data, software and IoT for Indian market under the Map My India brand. तो इस company का brand name है Map My India and for the international market under the Mapples brand. तो internationally ये Mapples brand के नाम से जानी जाती है और हिंदुस्तान में Map My India के नाम से जानी जाती है। अब आपने देखा ना, पिछला एक आईपीओ आया था रेड गेम का, वो भी SaaS के ऊपर काम करता था, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो इंडिया की लीडिंग कंपनी थी SaaS की। बट वो उनका जो सा बिजनेस था वो प्रोवाइड था, वो काम करते थे हॉस्पिटैलिटी और ट्रेवल पे, और इसका जो कारोबार है वो मैप्स बनाने में, जो इंटेलिजेंस है इनकी मैप्स पे है, राइट? आगे बढ़ते हैं। द डिजिटल मैप्स ऑफर्ड बाय द कंपनी कवर 6.29 किलोमीटर ऑफ रोड्स इन इंडिया, रिप्रेजेंटिंग 98.5% ऑफ इंडियन रोड नेटवर्क। तो 98.5% रोड नेटवर्क ये कवर करती है इंडिया के। द कंपनीज डिजिटल मैप डाटा प्रोवाइड लोकेशन, नेविगेशन, एनालिटिक्स एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर 7933 टाउन्स, oh wow, and 637,472 villages, 17.79 million places across many categories such as restaurants, retail shops, malls, ATMs, hotels, police station, electric vehicle charging stations etc, and 14.51 million house or building addresses. The company Real View Map provides actual roadside and on-road views based on over 400 million geo references, photos, videos and 360-degree panorama across India. बहुत अच्छी कंपनी लग रही है मुझे, आगे देखते हैं।
The company serves BFSI, telecom, FMCG, industrial logistics and transportation sector. MapMy India has also entered into various memorandum of understanding with key government organizations such as Indian Space Research Organization, जिसको हम ISRO बोलते हैं, नीति आयोग, National E-Governance Division, Ministry of Electronics and Information Technology and Government of India. तो Government of India के साथ भी ये कंपनी हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रही है. Some of company customers include PhonePe, Flipkart, Yulu, HDFC Bank, Airtel and Hyundai. The subscription fee, royalty and annuity payments together combine over 90% of company revenue for fiscal year 2021. कंपनी के बहुत टॉप क्लास क्लाइंट्स हैं, आपको मैंने लिस्ट बताई है. अब बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की. पायनियर्स ऑफ डिजिटल मैपिंग इन इंडिया हैविंग एन अर्ली मूवर एडवांटेज. तो इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी है जो मैप्स बनाती है, बट शायद हमें इसका नहीं पता क्योंकि हम सिर्फ गूगल मैप्स यूज करते हैं, राइट. बट इसकी एक्यूरेसी उससे ज्यादा है. मैंने रिसर्च की है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में. लीडिंग द B2B एंड B2B2C मार्केट फॉर डिजिटल मैप्स एंड लोकेशन इंटेलिजेंस इन इंडिया. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इफेक्ट रिजल्टिंग इन कॉम्पिटिटिव एज. इंडिपेंडेंट ग्लोबल जियोस्पेशियल प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनी विद स्ट्रॉन्ग डाटा गवर्नेंस. Prestigious customers across sectors with strong relationships. Companies मैंने आपको बता दी है जिनके साथ इसके relation है, Government of India के साथ भी ये काम कर रही है. Consistent profitable financial track record. तो ये company debt free company है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके financials भी बताऊंगा. Company के जो promoters है वो राकेश कुमार वर्मा, ये फॉरेन में इन्होंने सारी पढ़ाई की है अमेरिका में, वहां से ये हिंदुस्तान आए. इन्होंने देखा कि भाई साहब यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है मैप्स के रिगार्डिंग. कंपनीज ने टावर लगाने थे या कोका कोला ने भी अपना काम करना था, तो उनको लोकेशंस की बहुत प्रॉब्लम आती थी, तभी से इन्होंने अपना काम मैप्स में शुरू कर दिया था. एंड रश्मि वर्मा आर द कंपनी प्रमोटर्स. तो प्रमोटर्स दो है इसके जो मेजर है. IPO कल यानी कि 9 दिसंबर 2021 को खुल गया है और ये बंद होने जा रहा है 13 दिसंबर यानी कि सोमवार को 2021 को. अलॉटमेंट की डेट 16 दिसंबर की है, रिफंड 17 दिसंबर को आ जाएंगे. जिनको अलॉटमेंट नहीं आएगी उनको रिफंड आ जाएगा, और जिनको अलॉटमेंट आ जाएगी उसके डीमैट अकाउंट में शेयर 20 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे. और फाइनली इसकी लिस्टिंग की डेट है 21 दिसंबर 2021 की. शेयर की फेस वैल्यू 2 है. IPO का प्राइस बैंड 1000 रुपए से लेके 1031 रुपए तक है, और जो चाहते हैं उन्हें अलॉटमेंट आए वो कट ऑफ प्राइस पे टिक करके 1033 पे बिड लगाइएगा. मार्केट लॉट 14 शेयर का है, मिनिमम आप 14 शेयर की बाइंग कर सकते हैं. इसकी NSE और BSE पे लिस्टिंग होगी. इश्यू साइज मात्र 1039.61 करोड़ का है, उसमें से सारा पैसा ऑफर फॉर सेल का है, मतलब प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेच के निकल रहे हैं, कंपनी को कोई हिस्सा नहीं जाएगा, ऑफर फॉर सेल बिल्कुल जीरो है. QIB का कोटा कंपनी ने 50% रखा है, रिटेलर्स को सिर्फ 33% कोटा मिला है और NIS को सिर्फ 15% कोटा मिला है. तो रिटेलर्स का कोटा बाकी जो 2-3 कंपनीज के IPO आए थे उससे ज्यादा है 35% का, तो हो सकता है आपको अलॉटमेंट आ जाए. एप्लीकेशन आप मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं. 1 लॉट में 14 शेयर है, 13 लॉट में 182 शेयर है, 182 शेयर. मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट 14,462 रुपए की है और मैक्सिमम आपकी जो 13 लॉट लगाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 1,88,006 रुपए की. प्री इशू जो से प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग 61.71% है और इशू के बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी वो 53.73% रह जाएगी. तकरीबन 8% की होल्डिंग प्रमोटर्स बेच रहे हैं.
अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तीनों में ही कंपनी ने ग्रोथ की है, जो 2019 में फिगर थी उससे 2020 में बढ़ गई और 21 में और बढ़ गई। और 21 सितंबर तक देखें, मतलब 2021 के सितंबर महीने तक देखें तो ग्रोथ में चल रही है कंपनी। कंपनी अच्छी कंपनी है। अब बात करें मैप बैंक इंडिया के रिव्यूज की और रेटिंग्स की, तो 12 में से 9 ब्रोकरेज फर्म्स ने इसके अंदर अप्लाई के लिए बोला है और तीनों ने इसके अंदर न्यूट्रल रेटिंग दी है। दोस्तों आप कहेंगे कि मैं इसके अंदर अप्लाई करूं कि ना करूं, तो आपको अगली वीडियो में जो कि 1.5-2 घंटे बाद आपको मिल जाएगी उसके अंदर मैं बताऊंगा श्रीराम प्रॉपर्टीज में अप्लाई करना है या मैप माई इंडिया में करना है, क्योंकि आज एक और मेट्रो शूज का आईपीओ भी खुल गया तो सभी में अप्लाई नहीं कर सकते, इनमें से हमें शॉर्ट लिस्ट करनी है कंपनीज और उसके अंदर अप्लाई करना है। सो अगली वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और एक और जाते जाते आपको चीज बता दूं, मैप माई इंडिया और गूगल मैप्स में फर्क है, ये सर्विस प्रोवाइडर है और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है वो कंपनीज को जो मैप्स यूज करती हैं, जैसे हुंडई हो गया, हुंडई में जो आप मैप यूज करते हैं वो इस कंपनी का करते हैं, राइट। तो इसका कंपैरिजन हम गूगल से कर सकते हैं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों का कारोबार थोड़ा थोड़ा अलग है। काम मैप्स का ही है, मैप प्रोवाइड ही करता है, बट ये कंपनीज को प्रोवाइड करती है मैप। तो कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों। सब्सक्रिप्शन का आपको मैं बताऊंगा सब्सक्राइब करना है या नहीं, बने रहे वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए अगर आप लेटेस्ट वीडियो जानना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।